अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शाहीन एंड वेलकम बैक टू कुक विद शाहीन। आज मैं बना रही हूँ किमाली पोगाचा, जो कि एक टर्किश रेसिपी है जिसे हम ग्राउंड मीट पेस्ट्री भी बोलते हैं। तो प्रोनंसिएशन में अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कीमा। जी हाँ, बीफ का कीमा है ये, आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो 250 ग्राम्स लिया है और इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालूंगी और हमें इसे पकाना है जब तक इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता। तो बीच बीच में इसको चलाते रहना है और इसी के बीच हमें जो कीमा है वो भी कुक करना है। तो याद रहे, हमें इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, थोड़ा टाइम लगने वाला है, पर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और ये बिल्कुल भी जले ना, तो बीच बीच से चलाते भी रहना है। आप इसको ढककर पकाएं और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खोल खोल के इसको चलाते भी रहें। तो जब ये पानी सूख जाएगा इसका, तब हम लोग देखेंगे जो कीमा है वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, आई मीन वाइट कलर का। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये देखिए बिल्कुल पानी सूख चुका है, तो मैंने एक प्याज जो लार्ज साइज़ का था उसको मैंने चॉप करके रखा हुआ था, वो डालूँगी। तो प्याज डालने के बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 से 2 टेबलस्पून्स। तो गाइज, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल की जगह पर भी डाल सकते हैं कोई भी ऑयल। तो मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून्स। आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं, बस याद रहे हमें यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, उसके अलावा आप कोई भी डाल सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे और हमें इसको तब तक के पकाना है जब तक जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो ये भी होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो 10 से 15 मिनट आई थिंक आप लोगों को लगने वाला है। पर इसको कुछ भी आप करें, पर हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अभी भी इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब आप देखेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, ये देखिए, तब हमें इसमें डाल देना है सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। तो इसको अच्छे से चला देंगे। अब ये हल्का सा नीचे से लगना शुरू हो गया है, तो अभी धनिया डाल दी है मैंने, चिली फ्लेक्स डालूंगी और यहाँ पर सॉल्ट भी मैंने डाला हुआ है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये काली मिर्च मैंने डाली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद याद रहे जो आपने चिली फ्लेक्स डाला है उसकी जो तीखापन है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और सॉल्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं, इसलिए मैंने क्वांटिटी नहीं लिखी है। तो अभी इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम लोगों को 1 से 2 मिनट और पकाना है और बस फिर ये रेडी है। हम लोगों को इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रखना होगा, तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। तो अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे और आटा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 कप मैदा लिया हुआ है, इसको मैंने छान लिया था और इसमें मैं डालने वाली हूँ नमक। तो ये 2 टीस्पून नमक है और नमक के बाद मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डाल रही हूँ। ये बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप दही। दही जो है वो हमें पैकिंग वाला यूज़ करना है, खट्टा वाला बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, और दही में पानी भी नहीं होना चाहिए, हंग कर्ड होना चाहिए ये। तो ये दही मैं डाल दूंगी 1 कप। उसके बाद 1 कप तेल डालेंगे, सारा तेल एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा हमें तेल डालना है और आटे को इसी में मिक्स करते रहना है और आटा गूंथते रहना है। पानी का हमें इसमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, जो है हमें इसी से तेल से ही हम लोगों को आटा गूंदना है। बट अगर आप देखें कि 1 कप तेल आपका ख़त्म हो गया है तो फिर आप थोड़ा सा पानी और यूज़ कर सकते हैं, बट याद रहे पानी हमें ठंडा वाला नहीं यूज़ करना है, हम लोगों को हल्का वार्म वाटर यूज़ करना है, जो कि बिल्कुल बॉयल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर पानी हमें लेकर गूंदना है।
और आटा बिल्कुल हम लोगों को सॉफ्ट रखना है, ना वो बहुत हार्ड होना चाहिए ना फिर वो बहुत ज़्यादा गीला कि आपको जब इसमें फिलिंग भरें तो वो फट जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट सा आटा ये देखिए मैंने गूंथ लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कलौंजी, कलौंजी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब इसमें मैं सफ़ेद तिल डालूँगी 1 टेबल स्पून और दोनों को मिक्स कर लूँगी। तो कलौंजी को और सफ़ेद तिल को हमें मिक्स कर लेना है, ये हमारी गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे। अब हम लोग वॉलनट साइज बॉल्स निकालेंगे आटे से, और इसमें हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा जो हमने फिलिंग बनाई है कीमे की वो डालेंगे, और उसको किसी भी शेप में आप पैक कर सकते हैं। आप चाहें तो मोमो के शेप में या फिर कोई भी शेप में पैक कर सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ, ये देखिए। इसको अच्छे से पैक करने के बाद अंडे को मैंने फेंट लिया है, वो ब्रश कर देंगे ऊपर से, और ये जो मैंने तिल और कलौंजी के लिए मिक्स करके बनाया था वो मैं इसमें गार्निश कर दूंगी। और एक बेकिंग ट्रे में आपको इसमें पार्चमेंट पेपर लगाना है ऑयल ग्रीस करके, और फिर हम लोगों को इस तरह से इसको रख देना है और थोड़ी थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी है। उसके बाद हम लोगों को इसको 350 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए रखना है अवन में, जो कि प्री हीटेड अवन होना चाहिए। तो मैंने इसे पहले से ही प्री हीट कर लिया है और इसे मैं मीडियम रैक पर रखूंगी 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपके पास दूसरा अवन है, क्योंकि हर अवन के जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, तो आप इसको फुल अवन पर रख सकते हैं। जो भी फुल इसका टेम्परेचर है वो आप रख सकते हैं। तो मेरे पास ये 250 था, मैंने इसको 250 कर दिया है, नीचे वाला रॉड भी और ऊपर वाला भी। तो अभी इसको हम लोगों को पूरा होने देना है, और जब आप देखेंगे कि ये पूरा रेडी हो गया है, इसमें ऊपर से ब्राउन कलर आने लगेगा, बट ध्यान रहे ये जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप जब आप देखेंगे कि ये ज़्यादा डार्क हो गया है तो आप ख़ुद भी बंद कर सकते हैं पहले से ही अवन। ज़रूरी नहीं है कि आपके टाइम पर ही ये बंद किया जाए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। जितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गर्मा गर्म किमाली पोगाचा यानी कि ग्राउंड मीट पेस्ट्री कैसी दिखती है अंदर से। तो इसको आप कोई भी सॉस के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक है। और गाइज एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इसके अंदर से कीमे की फिलिंग है, जो इसका टेस्ट आता है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। गाइज आप लोगों को खुद इसको एक बार ट्राई करना होगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी ये। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोग ये रेसिपी को ट्राई करें अपने घर पर। और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।